ईयर 2029, जहां मोस्ट ऑफ द लोगों ने अपने बॉडीज को रोबोटिक प्रोस्थेटिक से रिप्लेस्ड किया है। इन प्रोस्थेटिक की वजह से कमज़ोर ताकतवर बन गए हैं और मरने वाले को एक नई जिंदगी मिली है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, नूजीट्यूब हियर। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं गोस्ट इन द शेल एनिमे मूवी के बारे में। इस एनिमे का रिकमेंडेशन दिया है हमारे अपने बाका बॉय ने, और थैंक्स अलॉट इस एनिमे को रेकमेंड करने के लिए, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट मेरी ऑल टाइम फेवरेट एनिमे मूवी बन गई है। इस एनिमे मूवी के जॉनर है एक्शन, मेका, साइकोलॉजिकल, साईफाई और सेनेन। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, ये मूवी साईफाई होने के बावजूद साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को बखूबी टच करती है। इसके डायरेक्टर है ममरू ओशी, और कैरेक्टर्स की बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो दो मेन कैरेक्टर है, वो है मोटोको कुसानागी और बाटो। इसके प्लॉट के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम इस एनिमे को देखो और खुद ही एक्सपीरियंस करो, क्योंकि ये एनिमे अपने आप में ही एक यूनिक एनिमे है और हर एक के पर्सपेक्टिव से अलग चीज़ दिखेगी। इस एनिमे मूवी ने काफ़ी जन को इंस्पायर किया है, सच एज फिल्म मेकर वचोस्की, जिन्होंने मैट्रिक्स फिल्म बनाई है, और जेम्स कैमरून को भी ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी है, जो एवेटार के डायरेक्टर है। इस फिल्म का बजट $10 मिलियन था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसने $43 मिलियन कमाए है। डिस्पाइट ऑफ दैट, ये बॉक्स ऑफिस फेलियर थी, लेकिन इसके होम वीडियो ने ग्रॉस कमाई करके $43 मिलियन कवर अप कर लिए। क्रिटिक्स ने भी इस एनिमे को प्रेज किया है फॉर द नरेटिव एंड द विजुअल ग्राफिक्स, और इसके विजुअल ग्राफिक्स सेल एनिमेशन और CGI एनिमेशन का मिक्सचर है, और ये एक तरह से पता भी चलता है, क्योंकि ये फिल्म की रिलीज डेट है 18 नवंबर 1995, और उस ज़माने में विंडोज़ 95 के कंप्यूटर थे, और जितने भी नेविगेशनल वेपन्स थे या फिर GPS थे, वो एक तरह से कॉकपिट थीम बेस्ड थे, यानी कि ग्रीन कलर के दिखते थे, और उसके ऊपर जो लोकेटर दिखा था वो रेड कलर का था, पर यहाँ पे येलो में दिखाया गया है। और एक चीज़ मेरे को इसकी लगी, वो है स्टार्टिंग की ओपनिंग म्यूज़िक। इसकी ओपनिंग म्यूज़िक दी गई है केंजी कवाई ने, और ओपनिंग म्यूज़िक एंशियंट जैपनीज के ऊपर बेस्ड है, और ये डिस्पाइट ऑफ दैट ये फ्यूचरिस्टिक फिल्म है, इसके ऊपर जैपनीज एंशियंट म्यूज़िक काफ़ी फिट बैठती है, और तुम्हें कहीं भी नहीं लगेगा कि ये कुछ और चीज़ है। इस एनिमे मूवी ने काफ़ी सक्सेस की है, और इसका एक स्कारलेट जोहैंसन का भी वर्जन निकाला है रियल मूवी एडेप्टेशन का, और इसकी सीक्वल भी निकाली गई है, दो ये सीक्वल ऑफिशियल नहीं है, गोस्ट इन द शेल पार्ट 2 इनोसेंस, जो का एक अलग ही स्टोरी है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छी मूवी है और तुम्हें उसे ज़रूर देखनी चाहिए। एक तरह से तुम्हें एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मिलेगा इस मूवी को देखे, और ये एक अच्छी एंटरटेनमेंट मूवी है, और क्या कह सकता हूँ। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैं अगली बार आपको मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कॉमेंट करना और सब्सक्राइब करना। मैं आपसे अगली बार मिलूँगा।